घाटी में खेला बसा, आज पिक्चर प्रोडक्शन के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। जबकि मैं इतना छोटा सा, तब मैंने आरती और सहारा फिल्में इसी टाकीज में देखी। बहुत खुशी की बात है कि आज नाना जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वर्मा जी, आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे बीच हैं। दुबे जी हैं, आप भी हमारे परिवार के हैं। शुक्ला जी हैं, शर्मा जी हैं, सब लोग आप लोगों के बीच में हैं। और ये बहुत बेहतरीन है दिन है कि देखिए हमारे हीरो साहब, हमारी हीरोइन साहब, मैडम, आप भैया, शशि मोहन जी हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारे यादव जी, सारे लोगों की पूरी टीम, यानी ऐसा कभी मेरे ख्याल से बाहर के लोगों का बिलासपुर जिले में पहले मुझे अभी मुझे नहीं मिला। तो ये समझ लीजिए कि पूरे जिले की टीम है, पूरी टीम है। नाना जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि पूरी टीम को आशीर्वाद दें, अपने शब्दों में आप आशीर्वचन दें। आपके आशीष की कामना हम कर रहे हैं। आप जब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद देंगे तो हम लोगों की टीम पूरे सालों, जिंदगी भर हम लोग नई नई फिल्में बना के और दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। और ऐसा ही आशीष मुझे आपसे हमेशा पहले भी मिलता रहा। इस घर में जब पहली शादी हुई थी तो जब बुफे का सिस्टम था तो सबसे पहले चम्मच में नाना जी ने मुझसे बोला कि सुनील तुम खाना की शुरुआत पहले करो। तो आज फिर देखिए वही दिवस फिर लौट के आ गया कि नाना जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सादर आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आगंतुक सभी कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वाजपेयी जी के बारे में ये कहूँ कि उनका अधिक से अधिक समय मेरे पास गुजरा करता था। बचपन से यहाँ रहे हुए हैं, हमारे पारिवारिक मेंबर भी हैं। साहित्य से जिनका शुरू से बहुत अच्छा लगाव था, कला से भी लगाव था, और मुंगेर से बाहर जाने के बाद इन्होंने इतनी अच्छी टीम एकत्रित की है, जिसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ये टीम जो है, पहली इस बात की निशानी है कि मुंगेली और बिलासपुर को मिला करके, अगर वाजपेयी जी आपके साथ में हैं, मुंगेली और बिलासपुर को मिला करके यहाँ समझ लीजिए एक नए थिएटर कंपनी का हो तो कोई अतिशयोक्ति का निर्माण हुआ है। और इससे जो आज फिल्म यहाँ मुंगेली में देखते हैं, ये लोग जो आए हुए हैं हमारे बीच में, वैष्णव जी हैं, अभिनेत्री भारती, और भाई लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, यादव जी राम कुमार जी, आप शशि मोहन जी आप जो बैठे हुए हैं, वर्मा जी हमारे कैमरा मैन, बैठे हुए हैं, और मुंगेली ऐसे भी हर कला के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है शुरू से। और यहाँ पर आदर्श सेवा मंडल से लेकर के, आदर्श निकेतन से लेकर के, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी अलग अलग संगीत विद्यालय वगैरह हैं। और तारीख की बात ये है कि कैसे एक तो एक एक को जोड़ करके, राई से राई मिल करके कैसे पहाड़ खड़ा होता है, ये पहाड़ के रूप में मैं आज के इस संगठन को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और आप सब लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ कि अच्छे और उत्कृष्ट रूप में और एक हमारी पूरी टीम अभी 5-1 मिनट के अंदर पहुँचने वाली है। हमने अगर हिंदी साहित्य संगीत और अन्य चमकियाँ भी हैं, भले उनको देर हो रही है 2-4 मिनट, तो सब फोन पर एक साथ जैसे ही सूचना मिलने में मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट हुआ है, उस 15-20 मिनट के अंदर हम सबको इन्वाइट कर दिए हुए आपको समझ आने वाले हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पूरी टीम को कि ये टीम जो है
मुंगेली का नाम गौरव करेंगे, बिलासपुर का नाम गौरव करेंगे, और हम सब लोगों भाग्य का सवाल है कि हम गौरवान्वित हो गए। धन्यवाद। बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत दम है, बहुत वजूद है, बड़ा वजन है। अगर इन्होंने ऐसे आशीर्वाद दे दिया तो हमको ईश्वर की दिव्य ज्योति मिल जाएगी। इसीलिए हम आपके सब पूरी टीम को लेके आपके पास शरणागत हुए हैं। हमेशा आशीर्वाद देते रहे। मैं शर्मा जी को भी दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। शर्मा जी केसरी फिल्म असली निदान के सभी कलाकार, निर्माता, निर्देशक एवं फिल्म निर्माण में व्यक्तिगत से प्रत्यक्ष जुड़े सभी लोगों को हेलो हार्दिक बधाई। और आपकी फिल्म बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करे इसके लिए मुंगेली प्रेस क्लब की ओर से हमारे हार्दिक। और इसके बाद प्रचार प्रसार में जैसा भी हम पत्रकार साथी सहयोग कर सकेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी पत्रकार साथी पिक्चर को देखें और उसकी समीक्षा भी, और आगे भी जैसा भी आप लोग की ओर से ऐसा कुछ फिल्म निर्माण का काम होगा तो मुंगेली प्रेस क्लब आप लोग के प्रचार प्रसार और कम में सब आपको। आप दो शब्द कहिए भाई। बहुत अच्छे बढ़िया सुखद माहौल में बहुत अच्छे ढंग से इस स्वागत सत्कार की आगे कड़ी को मैं बढ़ाते हुए, चूँकि आप साहित्य समिति के प्रेसिडेंट हैं, मुझ जैसे न जाने कितने साहित्यकारों को आपने शिक्षा दे दी, दिशा दर्शन दे दिया, जो आज नाम रोशन कर रहे हैं, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने हीरो महोदय से भी थोड़ा वैष्णव जी से कि दो शब्द कि वो मेरे मामा के घर आए हैं उनको कैसे लग रहा है सुनील दत्त मिश्रा के मामा के घर, तो ये वो बताएं और दो शब्द आप भी बोले। मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगा, मैं एकदम छोटा सा बच्चा हूँ इस क्षेत्र में, अभी सिर्फ सीखने का काम है मेरा, फिर भी मुंगेले जैसे क्षेत्र में आके मतलब एक परिवार से भी ज़्यादा बड़प्पन का माहौल मिला और ये माहौल को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, कभी नहीं। जब शूटिंग किया जाता है तो सबको लगता है कि बहुत आसान काम है, आदमी तो हीरो बन जाता है, ये पिक्चर अपन देखने चले जाते हैं, लेकिन ये सब में जितनी जो परेशानी आती है वो सब परेशानी मेन सबसे ज़्यादा परेशानी आती है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उसके बाद जितने कैमरामैन वगैरह जो टेक्निकल वर्क जितने करते हैं, ये असली कलाकार इन्हीं लोग हैं, हम लोगों से तो काम करवाया जाता है। मेन पिक्चर की हीरो सब टेक्निकल वर्क, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इन्हीं लोग रहते हैं और पिक्चर की जो असली सफलता है वो टीम के ऊपर रहती है। अकेले हीरो से तो कुछ होता नहीं है जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता। और आशा करता हूँ कि मेरे को मुंगेली आने का मौका हर बार मिले, यहाँ बहुत उपलब्ध का माहौल मिला मेरे। धन्यवाद। प्रोड्यूसर यादव जी को भी भाई, अरे अच्छा शशि मोहन जी को भाई, चलिए शशिकांत जी आप। मैं फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा, माटी से जुड़ी हुई कहानी है, एक युवा की कहानी है जिसको कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़ता है और इसके इस संघर्ष में उसका जो साथी होता है वो उसकी किस तरह से मदद करता है और फाइनली वो उसकी मदद करते करते अपनी जान गंवा देता है। तो जीवन में एक साथी का होना बहुत जरूरी होता है, वो साथी किस तरह उसकी मदद करे इस चीज़ों को इस कहानी में दिखाया गया है। और किसानों की जो मजबूरी है, भूमाफियाई लोग जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, उसको बड़े अच्छे ढंग से फिल्म में दर्शाया गया। बाकी आप जो फिल्म देखेंगे तो इसी समीक्षा जरूर रहेंगे, तो आगे हम और करते रहेंगे। धन्यवाद। शशिकांत जी आप फिल्म की जो हीरोइन है जिन्होंने फिल्म में वर्क किया है, दो शब्द मैं मैडम को भी बोलूँगा, दो शब्द वो भी बोले कि मुंगेली की धरती पर उनको कैसे लग रहा है, यहाँ आके सारे लोग खुश हो जाते हैं तो उनको कितनी खुशी है उसका इजहार करें आके वो यहाँ। आइए याद आई
से हुआ तो भैया लोग से मिला और सभी से मैं धन्यवाद करती हूँ। बस इतना ही होना चाहती हूँ और कुछ जानती नहीं हूँ। धन्यवाद। ना जानने में भी बहुत बड़ी बात कही गई, यानी मुगेली के प्रति अपनी बेमतहा मोहब्बत को आपने दर्शा दिया है कि मुगेली को वो बहुत चाहेंगी और जब कभी भविष्य में आपका मुकाम और आगे बढ़ेगा तो मुगेली को भूलेंगी नहीं। अब मैं साहित्यकार भट्ट जी को भी दो शब्द आमंत्रित कर रहा हूँ कि वाशी वचन के रूप में हमारी टीम के कलाकार सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बिलासपुर जिले के सब कलाकार हैं और सब लोगों ने मिलजुल करके अपनी शक्ति से इस पूरे यूनिट को संग्रहित करके यहाँ पर स्टूडियो प्रारंभ कर दिया और इनकी फिल्म बात चल रही है। बस इस आशीर्वाद से वर्मा जी हमारे साथ आए हुए वास्तव में क्या होता है कि कोई एक का संयोजन करना जिस तरह तकलीफ देह होता है उस संयोजन को आपने किया है और यहाँ जिस तरह से काम चल रही अपने अपने बीच कलाकार हीरोइन कला नायिका भी आकर दो संवाद उन्होंने कहा है तो आगे जाकर इस संयोजन को क्या है कि अपन सक्रिय यदि रख देते हैं तो वह सक्रियता क्या है कला के क्षेत्र में अद्भुत बात होगी। इसके पहले भी अभी बेमा तरह से हमारे पास रामानंद त्रिपाठी जी का वो आया था लेकिन वो अलग क्षेत्र है उनका, वो साहित्यकार और लोक कलाकार कल्याण संघ बना रहे हैं लेकिन यह जो है जो आप कर रहे हैं वास्तव में इसमें अधिक सक्रियता है और यदि मुंगेली में ऐसा हो रहा तो मुंगेली के सांस्कृतिक इतिहास में कुछ नई चीज़ें जुड़ रही हैं और हम इसमें तन मन धन से अपनी सक्रियता निभाएंगे। इस तरह की शुभकामनाएँ हमारी है और आप भी इस तरह क्या इस कार्य को कर रहे हैं उसको देखेंगे आप कि उससे वास्तव में कोई नई बात सामने आनी चाहिए या संस्कृति की छत्तीसगढ़ संस्कृति की नई व्याख्या सामने आनी चाहिए। कुछ ऐसे लगे कि हमारे अंदर सोचों का एक नया सैलाब नए मसाल उभर रहे हैं इस तरह की क्रियाएं उसमें दिखनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात देखेंगे कि एक को धक्का दिया है आपने तो ऐसे धक्का देने वाले कलाकार में भौमिक जी को भी दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित दे रहा हूँ कि अब भूमाफियाओं को कितना धक्का दे पाते हैं आइए दो शब्द यहाँ पर आप आमंत्रित हैं। शुक्ला जी बैठे हैं सरपंच जी है सरपंच हूँ। इसके पहले मैंने 25-30 एल्बम में काम किया और 5-6 छत्तीसगढ़ी फिल्म और 2-3 नाटक काम किया पर जो आज का जो सफलता मेरे गौरव गौरवित महसूस हो रहा है और मुंगेली शहर को मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा कि आज मुंगेली शहर पहुँचते साथ हमारा जो स्वागत सम्मान सभी कलाकारों किया जो कला को जानते हैं वही कला का इज्जत करते हैं। मुंगेली शहर और यहाँ के अतिथिगण जो हमारे टीम को स्वागत किए उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 5-6 फिल्मों में काम किया एल्बम में काम किया पर जो अभी जो टीम देखा मैं इस फिल्मों में जो राजकुमार यादव जी शशिकांत कौशिक जी वर्मा जी एक कड़ी को कड़ी से बांध के रखी पूरे फिल्म शूटिंग हुए तक कोई कलाकार को उदास और हताश नहीं होने दिए। इन्होंने जिस किसी को रिटेक हो जाए या कुछ डायलॉग डिलीवरी करने झिझक हो तो शशिकांत भैया ने इतने अपने समझ से ऐसे डायलॉग डिलीवरी करवाए तो मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसा निर्देशक सभी किसी को मिले। साथ साथ मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ मुगेली शहर प्रणाम करता हूँ कि आप इस अतिथि अनुवादी का प्रचार प्रसार करें। मेरा तो रोल निगेटिव है लेकिन दिल से मैं बहुत मोम हूँ पॉजिटिव जितने का अगर अपने स्थान कर सत प्रयास है
कितने किस्मत वाले हम लोग हैं, तकदीर के धनी हैं कि आशीर्वाद पर आशीर्वाद आशीर्वाद हम लोगों को मिलते चला जा रहा है। ये हमारा नसीब है, हमारा